नमस्कार दोस्तों, ये है मेरी भांजी, ये है मेरा भांजा और आज हम जा रहे हैं भुरमुणी वाटरफॉल। एक्चुअल में भुरमुणी वाटरफॉल जो है चंडाक से आगे जगह पड़ती है नाकोट, नाकोट से आगे जगह पड़ती है क्या क्या जगह पड़ती है नाकोट से आगे वाली जगह कौन सी है? ये कारचन कटिया के नीचे को भुरमुणी है। कारचन कटिया है एक जगह, वहाँ से राइट साइड को अगर आप आएंगे तो आपको भुरमुणी को जाने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि हम मुड़ तो चुके हैं, बाकी हमने देखा भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भुरमुणी वाटरफॉल काफी अच्छा है। कैसा है वो तो हम देखकर बताएंगे आपको। बाकी रक्षित कुछ कहना चाह रहा? हाँ बेटा बोल। वहाँ लीच थेरेपी भी होती है। लीच थेरेपी यानी जोंक लगता है और पैरों से खून निकलता है। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल जंगल के चारों ओर हैं। ये देखो, ये जंगल है, इस साइड भी ये रोड है, ये जंगल है ऊपर, तो चारों ओर जंगल है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं और जगह तो हमने भी देखी नहीं है, लेकिन हम अभी खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, अब देखते हैं भुरमुणी वाटरफॉल कहाँ पर है। चलिए, ये छोटी गंगा पार करते हुए बच्चे, ये रहा भुरमुणी वाटरफॉल का टिकट, 30 रुपया पर हेड है यहाँ पे, और ये रहा झरना, और ये यहाँ पर की रही लोकेशन। थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं। देखो आपने बिल्कुल संभल के आना है, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक है कि अगर आप बस गए आपकी जिम्मेदारी, तो रास्ता खतरनाक है और एक बार यहाँ नीचे देख सकते हैं। और ये इतना डाउन है, ये बिल्कुल डाउन रास्ता है, और वो नीचे हल्की सी आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन लोकेशन तो खैर प्यारी है। ये देखो इतना घना जंगल है, लेकिन कभी भी आए तो 4-5 लोग कम से कम आए, मेरे जैसे दो इन्हें छोटे दो को लेकर ना आए, फिर बड़ी डर लग रही है, कोई नहीं है यहाँ, कहीं बाघ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाघ आ गया तो हम दिखाएंगे आपको बाघ या फिर खबर, कुछ तो दिखेगी। रास्ता थोड़ा कठिन है, तो रस्सी रखी हुई है, देखिए आप, तो आप रस्सी को पकड़ के जा सकते हैं, वो अलग बात है कि ये बचाएगी नहीं आपको। रास्ता बहुत खतरनाक है, गलती से भी बूढ़े बुजुर्ग इधर उधर के लोग, और जिसको चलने की आदत नहीं है वो तो कदापि ना आए, बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा। ये देखिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल, बढ़िया मजा आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये है वाटरफॉल जहां हम पहुंच चुके हैं, और यहां पे आप नहा सकते हैं, और इसके नीचे तो बिल्कुल आने की गलती ना करें, बहुत फोर्स है पानी में, लेकिन नज़ारा बहुत शानदार है। यहाँ तक आना फायदेमंद रहा, कोई नुकसान की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा भुरमुणी वाटरफॉल, मुझे तो बेसिकली अच्छा लगा, हालांकि हमने नहाया वगैरह कुछ नहीं, बस जस्ट हम थोड़े फोटोग्राफ खींचने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे कि कैसा है, और मुझे तो ठीक लगा। बाकी मैं बच्चों से पूछूंगा, पहले रक्षित से फिर पीयू से। रक्षित कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। और कुछ कहना है स्पेशल? बहुत अच्छा लगा। ठीक हो गया, और बहुत आनंद आया। तो दोस्तों, आप भी बने रहिए, और आना हो तो आइएगा, लेकिन ध्यान रखें कोई बुजुर्ग इंसान ना आए, क्योंकि चलना है यहाँ पर, और फिसलन वाली जगह है, और जोंक भी लग सकते हैं, इतना ध्यान रखें। और जिसको चलने में दिक्कत है वो थोड़ा अवॉइड करें, बाकी जिसको इंजॉय करना है, एडवेंचर जगह जाना है, वो आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए, कुछ नई चीज़ें, नई जगह। बहुत बहुत धन्यवाद।